अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ब्रेकिंग न्यूज़ विद औन शिराज़ी की एक और अहम एपिसोड के साथ पार्लियामेंट हाउस से मैं आपको सैयद औन शिराज़ी हाज़िर खिदमत हूँ। नाज़रीन, आज अहम बजट पेश हुआ, बजट 2020-21, और वो हमने कवर किया। बजट के दौरान क्या हुआ, किस तरह हुआ, क्योंकि जो कुछ आपको टीवी पे दिखाया गया वो हकीकत का एक हिस्सा था, यानी 50% था। आपको तो टीवी पे सिर्फ हमाद अज़हर साहब की तकरीर दिखाई गई और आपको टीवी पे महज हुकूमती बेंचेस दिखाए गए, लेकिन आज हैरान कुन तौर पे अपोजिशन बेंचेस जो हैं वो पाकिस्तान टेलीविज़न के कैमरे से गायब रहे। ऐसे लग रहा था जैसे अपोजिशन में बैठा ही कोई नहीं था। अपोजिशन ने एहतजाज किया, हम आपको वीडियोज़ दिखाएँगे उसकी, हम आपको उसके उनके नारे सुनाएंगे, हम उनकी तस्वीरें दिखाएंगे, प्ले कार्ड जो उठाए गए थे वो दिखाएंगे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो जो नारा लगाती थी अपने दौर में कि जनाब देखे पीटीवी सिर्फ नवाज दौर में कहती थी कि नवाज लीग को दिखाता है, कैप्टन सफदर की तकरीरें दिखाता है, लेकिन अपोजिशन इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं दिखाता। और फिर जब कायमा कमेटी के चेयरमैन बने जनाब फैसल जावेद खान, उन्होंने पीटीवी से टाइम मंगवाया कि कितना अपोजिशन को देती हैं, कितनी हकूमत को देती हैं, लेकिन आज जब ये बजट इजलास था तो इस मौके पे हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पूरी एक पॉलिसी वज़ा की हुई थी और उस पॉलिसी के तहत अपोजिशन को बिल्कुल नहीं दिखाया गया। अगर बात करें तो इस इजलास के कुछ चीदा चीदा ज़रा मैं आपको बता दूं माहौल क्या था। तो ये शो करवाया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से कि कोरोना से पहले तो बाकमाल किस्म की मीशत चाह रही थी, कोरोना से पहले तो सब कुछ ठीक था, लेकिन कोरोना की वजह से जो है वो ख़राबी आई। अभी बताऊँ तो अगर बात करें तो ये इजलास 4 बजे का टाइम था, 4:10 पर अपोजिशन के तो 20 से 21 अरकान थे, लेकिन हुकूमत का कोई रुकन भी असम्बली में नहीं पहुंचा, उससे आप ज़रा संजीदगी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। फिर हुकूमत के जो पहले शख्स पहुंचे वो भी जो है गैर मुंतखब शख्सियत बाबर अवान साहब, जो पार्लिमानी अमूर की जिनके पास वज़ी अजम के मामले खसूसी हैं, वो जनाब पहुँचते हैं, और उसके बाद फिर दीगर लोग पहुँचते हैं। फिर उसके बाद अगर आपको बताएं तो टोलियों में खड़े हो जाते हैं अराकीन मुख्तलिफ में हुकूमती अराकीन, और जब वज़ीर आज़म इमरान खान एंट्री देते हैं तो जैसे मैं बता रहा था उस वक्त तिलावत हो रही थी, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अराकीन थे उन्होंने भरपूर तरीके से डाइस बजाया और वज़ीर आज़म इमरान खान को इस मौके पर वेलकम किया गया। अगर मज़ीद बताऊँ तो यहाँ पर जैसे मैं बता रहा था टोलियों की शक्ल में गपशप लगी, ऐवान में जनाब मुराद सईद साहब जो हैं उनकी और सरताज गुल की बैठक हुई, उन्होंने आपस में गपशप लगाई, फिर सरताज गुल की और मलिका बुखारी की एक लंबी चौड़ी बैठक हुई, और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अराकीन जो ख्वातीन थी वो आपस में 4-5 खड़ी होकर तस्वीरें बनाना शुरू की, जिनको बाबर अवान ने इशारा करके उन्होंने जो है इस मौका पे मुराद सईद को कहा और उन्होंने रोका। उसके साथ साथ अगर ईवान की बात बताऊँ तो एक नारा जो आज सबसे ज़्यादा लगाया गया वो था डोंकी राजा चोर है, ये नारा था, डोंकी राजा की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ये नारा। और फिर जो चीज़ मिस की गई अपोजिशन की जानब से जो थी वो एहतजाज था, उनके नारेबाजी थी, उनके प्ले कार्ड थे जिन पे 1 करोड़ नौकरियों, 50 लाख घरों, 1 करोड़ नौकरियों की बात दरज थी, और उसके साथ साथ दीगर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वादे किए थे वो दरज थे। तो ये जो था इस वक्त एहतजाज किया गया, उसकी कुछ फोटेज भी जो है हम आपके सामने लाते हैं। ज़रा आप क्योंकि देख लें बजट की जानब जाने से पहले, क्योंकि आने वाले दिनों में भी हम बजट डिस्कस करते रहेंगे, जरा आप यह देख लें कि हुआ क्या। जो आपको सरकारी मीडिया क्योंकि कवर कर रहा था, किसी प्राइवेट मीडिया को कैमरे को इजाजत नहीं थी तो सरकारी मीडिया ने नहीं दिखाया, लेकिन आप यह देखें कि क्या इस मौके पे सूरत हाल थी, किस तरह की जो है अपोजिशन एहतजाज कर रही थी, जरा यह देखिए। Let's go.
अपोजिशन के एहतजाज आपने देखा, ये सारी चीजें वहां पे हुई। आप जरा बजट की जानब आते हैं, जरा बजट की बड़ी बड़ी क्या इकदाम किए गए, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत कहती थी कि जनाब हम जब बजट देंगे तो इस बजट में, और जो नून लीग और पीपल्स पार्टी देती थी, हमारा और इनका फर्क होगा। ये दूसरा सालाना बजट था जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से आया है। जो सबसे जिस बात पर बार बार दो तीन बार जिक्र किया माद अजहर साहब ने, उन्होंने कहा जी हमने कोई नया टैक्स नहीं लगाया, ये उन्होंने बात की। लेकिन उसके साथ साथ जो इन्होंने काम किया वो इससे पहले कोई हुकूमत नहीं कर सकी, यानी सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 0% इजाफा किया गया, ना कोई सरकारी जिक्र ही नहीं किया गया। अहमद अजहर की पूरी स्पीच में सरकारी मुलाजमों का जिक्र ही नहीं था, जो पाकिस्तान के एक बड़ा हिस्सा है, और उसके साथ साथ ना सिर्फ पाकिस्तान के बड़ा हिस्सा है बल्कि इनडायरेक्ट डायरेक्ट टैक्स बहुत ज्यादा देते हैं। सरकारी मुलाजम को जब तनख्वाह मिलती है तो पहले उसका टैक्स जो है वो काट लिया जाता है। सरकारी मुलाजम को कुछ इस महंगाई, इस कोरोना के दौर में सरकारी मुलाजम के लिए इस सरकार ने कुछ भी नहीं किया। वो सरकार जो दीगर के हवाले से कहती थी कि दीगर हुकूमतें हैं वो कुछ नहीं करती, लेकिन ये इस सरकार ने कुछ भी नहीं किया। अब जरा आपको मोटी मोटी चीजें बताते हैं क्या कुछ किया गया है। एक तो जो बड़ी खबर है आने वाले दिनों में, इस पे हम इससे पहले भी बात कर रहे थे, आपको मजीद बताएंगे। एनएफसी वार्ड की बात की गई है कि भाई उस पर नजरसानी होगी, नेशनल फाइनेंस कमीशन, वही जो मरकज से सूबों को जाता है, वही जिसका सारा 18वीं तरमीम में मजीद तरमीम का मसला है, उसमें बात की गई कि जनाबे वाला इसमें देखा जाएगा, इसमें नजरसानी की जाएगी। फिर हमारा अजहर साहब ने कहा कि ये तकरीबन अगर दौरानिया बताऊं तो ये 4/19 में शुरू हुआ और 5/40 में खत्म हुआ, तो जरा ये है कि तकरीबन 1 घंटा 20 मिनट का ये इजलास था। 5:19 जब थे तो उस वक्त अपोजिशन ने बाइकाट किया इस इजलास का अपने एहतजाज के बाद, तो यानी 20 मिनट उसके बाद भी रहे। वज़ीर आज़म इमरान खान बजट स्पीच से पहले आ गए थे और वज़ीर आज़म इमरान खान ने पूरी बजट स्पीच जो है वो असेंबली में बैठ के सुनी। वज़ीर आज़म इमरान खान की बॉडी लैंग्वेज के मुतल्लिक मैं ज़रा आगे जाने से पहले बता दूँ, वज़ीर आज़म इमरान खान की बॉडी लैंग्वेज कुछ इस तरह से थी कि एक मौके पर जब अहमद अजहर तकरीर कर रहे थे तो वज़ीर आज़म इमरान खान इस तरह जो है इस अंदाज में हाथ बजा रहे थे, ऐसे ऐसे जिस तरह हम कोई बहुत टेंशन में शख्स होता है, इस तरह हाथ बजा रहे थे वजीर आजम इमरान खान ऐसे और फिर ऐसे। तकरीबन ये 30 सेकंड तक वजीर आजम इमरान खान इस तरह जो है वो करते रहे, और उसके बाद उन्होंने जनाब जब हम मतलब कहीं बड़ी मुश्किल से बैठे हैं और सोचे और होती हैं, टेंशनें और होती हैं, हम इस तरह करते हैं, तो वज़ीर आज़म इमरान खान इस तरह कर रहे थे। ये भी काफ़ी मतलब सेकंड तक उन्होंने किया, तो क्योंकि सरकारी टीवी कुछ और दिखाता है, हमने कहा आपको ये बता दे। फिर उसके बाद क्या सूरत हाल हुई वो आपको बताते हैं। जनाब आली आप बजट की तरफ आते हैं, आपको बताया ना जी 208 अरब रुपया, यानी 208 अरब रुपया रखा गया एहसास प्रोग्राम के लिए, सब्सिडी के लिए 180 अरब, HECI के ग्रांट में सिर्फ 4 अरब रुपए का इजाफा किया गया, यानी पहले 60 थी अब 64। अब अगर इसको हम डॉलरों में देखें ना, तो जब पिछले साल डॉलर कितने का था, मतलब 100 अगर बात करें तो 20-30 पे फिर रहा था, तो अब डॉलर की रुपए की कदर कितनी कम हुई, यानी 50, तो कम से कम आपको वो अगर वो ही आप रखते तो आपको 60 से 90 अरब तो करना चाहिए था, आपने मतलब कम किया है, 60 से 64 किया है, तो इस मतलब इसका
क्या मतलब है? अच्छी सी के लिए आपने और काम किया, यानी लोगों को पैसा छोटे मोटे प्रोजेक्ट के लिए देने के लिए तो आपके पास है, लेकिन जो PID कर रहे हैं, जो हायर एजुकेशन है, उसके लिए आपने पैसा पहले से कम कर दिया। नया पाकिस्तान हाउसिंग के लिए 30 अरब रुपया रखा गया, लेकिन मैं साथ ये बता दूँ, पूरी बजट स्पीच के दौरान ये नहीं बताया गया कि पिछले सालों में हमने नौकरियाँ कितनी दी, बल्कि ये कहा गया कि जी लाखों लोग बेरोजगार होंगे। 30 लाख पहले कहा गया, अब जनाब करोड़ की जो है एक तादाद बताई जा रही है, तो कोई एक घर का नहीं बताया गया कि हमने इतने इस सालों में एक घर बनाया है, कोई ये नहीं बताया गया कि एक नौकरी दी है, बल्कि जो सूरत हाल थी वो आपके सामने थी। उसके बाद रेलवे के लिए 140 अरब, कामयाब जवान प्रोग्राम के लिए 2 अरब, और जो फेडरल के अस्पताल हैं मुख्तलिफ जगहों पर उनके लिए 13 अरब, और 1 अरब IT के लिए, और 25 करोड़ जो पहले फनकारों की फलाह बहबूद के लिए था उसको 1 अरब कर दिया। अच्छा इकदाम है फनकारों के लिए तो आपने किया, लेकिन सरकारी मुलाजमीन के साथ आपको क्या मसला था? अगर आप ठीक है सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह ना बढ़ाते, कम अज कम पेंशन तो बढ़ा देते। आपको पता है कि पेंशन जो लेने वाले जो लोग हैं उनका बुजुर्ग हैं, उनका गुजर बसर जो है वो पेंशन के पैसों पे ही होता है। तो जनाब आली अगली कहानी आपको बताएं कि PSDP, अच्छा सर एक मजेदार चीज सुनिए कि अभी जो GDP है वो है 0.4 माइनस में, बल्कि अब तो चली गई है। नवाज शरीफ दौर में ये 5.3 से 5.8 पे थी, अब इस हुकूमत ने कहा है कि अगले साल हम 2.1 पे ले जाएंगे, यानी मुशर्रफ दौर से भी कम। भैया 2.1 पे ये तो इन्होंने कहा है हम लेके जाएंगे, अब 2.1 भी पता नहीं मिलती है या नहीं। बहरहाल 2.1 कहाँ, और जब ये तकरीरें की जा रही थी कि मईशत डूब रही है, उस वक्त कितनी थी? 5.8। तो उसके बाद मेरे लिए ये हैरान कुन थी जो है मामला। उसके बाद जी महंगाई को कहा गया 9.1 से कम करके 6.5 ले जाएंगे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में 25% इजाफा करेंगे, होगा 650 अरब रुपया PSDP के लिए, यानी जो डेवलपमेंट फंड है। और आपको पता है कि ये इतना भी नहीं है जितना नवाज शरीफ के दौर में था, और नवाज शरीफ के दौर में डॉलर जो था 100 से 110 रुपये का था, यानी डॉलरों की अगर उसमें तनासब में बात करें तो ना सिर्फ HEC का कम हुआ है, बल्कि उसके साथ साथ जनाब बेवाला ये PSDP भी कम हो गया, क्योंकि अब 650 अरब रुपया है, यानी 650 अरब रुपया है, तो इसको डॉलरों में कन्वर्ट करें, अभी 155 का डॉलर है, उस वक्त जो है 110 का डॉलर था, यानी 45 रुपये डॉलर महंगा हुआ है। तो वो आप हिसाब लगा लें तो ये कहीं उस वक्त का 400 अरब बनता है, यानी 4 खरब बनता है। फिर उसके बाद इसमें एक और मज़ेदार बात ज़रा सुनिएगा, कहा यह गया है कि जारी मंसूबों के लिए 73% और नए मंसूबे 27% पैसे रखे जाएंगे, उनको 73% ये पैसे जारी मंसूबों को चले जाएंगे। तो भैया इसका ये मतलब हुआ कि 100 में से 73 रुपए तो पुराने मंसूबों को चले जाएंगे, नए मंसूबे जो इस साल हुकूमत सोच रही है हम शुरू करेंगे वो रुपए में से 27 पैसे मिलेंगे, यानी हर 100 में से 27 रुपए का मंसूबे होंगे। मतलब अगर आप लगा लें 100 अरब में से 27 अरब, 200 अरब में से 54, 300 अरब में से 81, 400 अरब में 108, तो 500 अरब में से 135, और इसी तरह लगा लें तो ये तकरीबन इस साल के लिए 1.5 खरब, यानी 170-180 अरब रुपया है इस साल के डेवलपमेंट, बाकी पिछले पे खर्च हो जाएंगे जो पहले मामला हालात चाह रहे हैं तो आपके सामने हैं। ना फिर कहा गया जी 70 अरब रुपये पानी के लिए रखेंगे, उसके बाद जी 118 अरब रुपये सी पैक के लिए। आप खुद सोच लें कि 118 में NHA के सारे प्रोजेक्ट और सी पैक, ये सारा 118 में तय करने का कहा गया है। सेल टैक्स ये कहा गया है 14 से 12 पे लाने की कोशिश करेंगे। फिर ये जो है ना सेल टैक्स 14 से 12, ये है ख़ास करके जो है वो बड़ी रिटेलर जो है उनके लिए। होटल सनत के लिए 1.5 था, तो कहा गया अगले 6 महीने के लिए 0.5 करेंगे। खाम माल पे कस्टम ड्यूटी ख़त्म कर दी गई, और बग़ैर शनाख्ती कार्ड के जो बड़ा एक अरसे से शोर पड़ा हुआ था हुकूमत का और ताजरों का, वो जी एक आम शख्स 50,000 पे खरीदारी पर उसे कार्ड नहीं देना पड़ेगा, बल्कि उसे 1 लाख की खरीदारी पे देना पड़ेगा। रिलीफ बजट का नाम दिया है जो सरकार ने इसको, यानी जो थे मौसूफ हजरत किबला हमाद अजहर साहब, लेकिन ऐसा रिलीफ बजट जिसमें सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह ही नहीं बढ़ाई गई। फिर अगली बात करें तो वो जी कहते हैं तंबाकू और इसकी सिगार वगैरह पे FED जो था वो 65% से बढ़ा के 100% कर दिया गया।
एनर्जी ड्रिंक्स पे 13% से बढ़ा के 25%, यानी सिगरेट महंगे, एनर्जी ड्रिंक्स महंगी, बोतलें शोतलें महंगी होगी जी। और उसके बाद जो टैक्स छूट दी थी गवादर के लिए सदर ममलिकत ने, वो टैक्स छूट जी मान ली गई है। फिर जी मुल्क में मोबाइल फ़ोन जो बनाए जा रहे हैं उन पर कमी की गई है, और जनाब बैरून मुल्क से तरसीलात जो आ रही हैं उन पे अगर जिस बैंक से निकलवाना है तो कहा गया वो टैक्स नहीं लेगा, और अगर उससे दूसरे बैंक जाता है वो पैसे भी जो हैं वो नहीं लेंगे। तो ये ओवरऑल एक खतोखाल थे बजट के। वज़ीर-ए-आज़म ने भी तालियां शालियां बजाई, पूरे बजट के दौरान वज़ीर-ए-आज़म भी रहे। अब ज़रा थोड़ा सा मैं और आपको बता दूँ, पहली सीट वज़ीर-ए-आज़म शाह महमूद कुरैशी, उनके साथ जी हफीज शेख और आगे अहमद अज़हर। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शख्सियत जो थी वो सिर्फ एक ही थी, यानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान। शाह महमूद पीपल्स पार्टी से आए, अहमद अज़हर काफ लीग के, और जनाब हफीज शेख पीपल्स पार्टी के, मुस्तार लिए IMF वाले, और असद उमर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पता है कहाँ बैठे थे, बिल्कुल आखिरी सीट पे, हुकूमती बेंचों के आखिरी सीट पे 86 अराकीन ने शिरकत की। और क्योंकि कुर्सियाँ शुरसियाँ का भी प्रॉब्लम था, वो खेच गए थे इधर से, जब अपोजिशन वॉकआउट कर गई तो हुकूमत वालों ने अपोजिशन की कुर्सियाँ खेच के अपनी तरफ रखी। तो जनाब ये सूरत हाल थी। उधर बात करें तो वहाँ पर हमें दो चेहरे नज़र आए, ख्वाजा आसिफ साहब थे और उनके साथ जनाब बेवाला वो थे राना सनाउल्लाह। और सबसे पहले नवीद कमर की एंट्री हुई, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मतलब जरदारी साहब, उनकी कहा जाता है तबीयत खराब है, बिलावल खुद नहीं थे बजट स्पीच के मौके पे, शायद ये तय किया गया था कि वो नहीं होंगे, जो SOPs हुकूमत के और अपोजिशन के आपस में तय हुए थे बिलावल साहब नहीं थे। शाजिया मरी थोड़ी एक्टिव हुई, उन्होंने तरीक़ेकार ये शुरू किया कि जब बिल्कुल नई अपोजिशन को दिखाया कैमरे ने, क्योंकि जो कौमी असम्बली है उस पर एक बड़ी स्क्रीन लगी हुई होती है, वहाँ से पता चलता है कि कौन क्या ऑन एयर जा रहा है। तो जब बिल्कुल नहीं दिखाया तो उन्होंने कुछ प्ले कार्ड्स दे के अपने लोगों को, वो बिल्कुल आखिर में जहाँ पे मैंने बताया ना असद उमर बैठे हुए थे वहाँ पे भेज दिया कि आप, क्योंकि जब लॉन्ग शॉट में दिखा रहे थे अहमद अज़हर को तो पीछे से वो प्ले कार्ड्स आते थे, तो उस पर फिर स्पीकर साहब ने भी मना किया उन लोगों को वापस जाने का कहा, और मुराद सईद साहब ने इशारे किए अपने अरकान को कि इनको थप्पड़ मार, थप्पड़ का बकायदा इशारा उन्होंने किया है, और उन्होंने कहा इनको इधर से आप इधर आने क्यों देते हैं। खैर गार्ड्स आए जो अपने हैं कौमी असम्बली के, वो लेके चले गए। इस मौके पे एक और चीज़ हुई, जो हमने फोटोज दिखाई, ये जब फोटोज बन रही थी तो स्पीकर साहब ने एक बार कहा कि जनाब मोबाइल छीन ले, वो जो अराकीन असम्बली खातून बना रही थी। फिर उसके बाद जनाब अपोजिशन ने तो वॉकआउट कर लिया, इमरान खान साहब ने अपोजिशन के दौरान कानों पे हेडफोन लगा लिए थे, क्योंकि वो जो नारा था जिसपे एक बार स्पीकर साहब ने भी रोका था, यानी डंकी राजा की सरकार नहीं चलेगी नहीं चलेगी, अली बाबा चाली चोर चीनी चोर आटा चोर, ये नारे लगे। जैसे मैंने बताया 1 करोड़ घर 50 लाख नौकरियों वाले, 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियों वाले वो जो प्ले कार्ड थे वो उठाए गए थे। तो ये माहौल रहा। जैसे ही इजलास ख़त्म हुआ उसके बाद जनाब स्पीकर साहब ने मंडे तक के लिए इजलास जो है वो 4 बजे तक के लिए मुलतवी किया। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें तो एक बार एक रुकन असम्बली इमरान खान के पास गए, वो बात कर रहे थे तो मुराद सईद ने काफ़ी गुस्सा किया, उन्होंने कहा जी दूर हो जाए इनसे। फिर उन्होंने इसका अली मोहम्मद खान को कहा कि यार इसको दूर करें, फिर उन्होंने जो है उससे कहा कि आप वज़ीर आज़म के करीब ना जाएं, शायद कोरोना की वजह से वो कह रहे। वैसे मुराद सईद, मतलब वैसे तो कोई भी मिल सकता है, मुराद सईद नहीं रोकते वज़ीर आज़म से मिलने को, लेकिन वो कोरोना की वजह से कह रहे थे, क्योंकि उन्होंने बड़ा गुस्सा किया, उन्होंने 3-4 बार बड़े गुस्से से कहा कि वज़ीर आज़म से दूर हट जाएँ, वज़ीर आज़म से दूर हट जाएँ, वो इसलिए कह रहे थे शायद कुछ जो दीगर अराकीन देख रहे थे, अपोजिशन के अराकीन देख रहे थे, या वो देख रहे थे जी मीडिया के दोस्त, उन्होंने वो हैरान तो लोग हुए कि मुराद सईद दूर क्यों कर रहे हैं, कि कोई वज़ीर आज़म के करीब उनसे करीब हो के मुंह उनके करीब कानों के करीब करके बात भी नहीं कर सकता, ये मतलब मुराद सईद नहीं करने देंगे, लेकिन वो असल में कोरोना की वजह से कर रहे थे। खैर ये थी मतलब डिटेल, आज इजलास कैसे हुआ कैसे चला, वज़ीर आज़म साहब दोबारा जनाब बाबर अवान, जब वज़ीर आज़म निकले हैं बाबर अवान उनके पीछे पीछे थे, और एक मौके पर एक रुकन असम्बली ने बाबर अवान को कहा आप किस मुल्क के मालिक हैं, आप तो मालिक हैं, मालिकों थोड़ा केड़ी गाल है। ये इजलास शुरू होने से पहले प्रेस गैलरी में मैं बैठा था तो उस वक्त उन्होंने कहा मालिकों
ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ। ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰੈਸ ਗੈਲਰੀ ਤੱਕ ਆਈ, ਆਗੇ ਸੇ ਕਹਿਕਾ ਵੀ ਲਗਾ। ਹਾਂ ਖੈਰ, ਇਹ ਥੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਓਵਰਆਲ ਕਿ ਕਿਆ ਬਜਟ ਅਬ ਇਸਕੇ ਹਮ ਬਤਾਤੇ ਰਹੇਂਗੇ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਸਮੇ ਕਿਆ ਡਾਲੀਆਂ ਜਨਾਬ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਿਸਮ ਕੀ ਵੋ ਕਿਆ ਕਹਤੇ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰਦਾਤੇ ਕਿਆ ਡਾਲੀ ਹੈ, ਕਹਾਂ ਸੇ ਕਿਸ ਕੋ ਫਾਇਦਾ ਦਿਆ ਗਿਆ। ਬੜੀ ਬੜੀ ਸ਼ਿੱਕੇ ਬਦਲੀ ਗਈ ਹੈਂ, ਕੋਈ ਕੰਕਰੀਟ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਥੀ ਆਬਾਦ ਅਜ਼ਹਰ ਕੇ ਪਾਸ ਬਤਾਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਕਿ ਹਮਨੇ ਯੇ ਕਿਆ ਵੋ ਕਿਆ, ਕਰਜ਼ੋ ਕੇ ਹਵਾਲੇ ਸੇ ਨਹੀਂ ਉਨ੍ਹੋਂ ਨੇ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਹਮਨੇ ਬੈਰੋ, ਯੇ ਸਿਰਫ ਕਹਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਸੇ ਹਮਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ वो तो आई एम एफ ने कहा था आप नहीं ले सकते, इसलिए आपने नहीं लिया। खैर, तो कोई कंक्रीट चीज़ नहीं थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास सेल करने के लिए, और वो सेल कर भी नहीं पाए, और एज यूजुअल सरकारी मुलाजमीन का तो जिक्र भी नहीं किया। ये थी पूरी अंदर क्या कुछ हुआ, किस तरह हुआ। और एक और बता दूँ, एक रुकन ने सिर्फ, दो रुकन ने हुकूमत में से ग्लव्स पहने हुए थे, बाकी वो तो तकरीबन सब लोगों ने मास्क, सारे लोगों ने पहने हुए थे, लेकिन ऐसे भी लोग थे आमर डोगर की तरह जो नीचे मास्क करके फिर जा रहे थे, मुँह पर उनके नहीं था, यहाँ तक उनका मास्क था। तो ये थी आज की सारी सूरत हाल, और किस अंदाज में बजट पेश हुआ और क्या क्या हुआ। नारे जो हैं वो मैंने आपको कहा, आप जरा ऐसे ही सुन लें बजाइए कि मैं साथ बता रहा हूँ। अब तक के लिए इतना ही, हम इस बजट के काया काया जो नुकते हैं वो मजीद लेके आएंगे सामने के अंदर की कहानी क्या। अब तक के लिए इतना ही, आपने वो सैयद औन शिराजी को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।